Assalamualaikum listeners and viewers. This is me, your host Fahad Younes, and you're watching Meri Kahani. और जनाब मेरी कहानी के हवाले से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने हर शो में किसी न किसी ऐसी शख्सियत के साथ आते हैं कि जो अपनी जिंदगी में तो माशाल्लाह बहुत कुछ कर चुके हैं, इस वक्त बहुत सारे और लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस हैं। हमारा मकसद यही रहा है कि हम ऐसे लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से और उनकी जिंदगी की कहानी से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो हमेशा की तरह आज भी हमने एक बड़े खास और स्पेशल गेस्ट जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमदज़ई साहब को अपने साथ लाइव लिया है कराची पाकिस्तान से। मुस्तफ़ा भाई क्या है ये हम इनसे सुनेंगे, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन कराना मेरे लिए जो है ना खुद एक कन्फ्यूजन है। मुस्तफ़ा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। वालेकुम अस्सलाम फहद, एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इनविटेशन। और क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल सी है। आप सब जानते हैं इसके बारे में कि मेरा एक छोटा सा सेटअप है, यानी कि हम लोग वेब सर्विसेज और वेब सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली क्लाइंट इंडिया से है, यूएस से है, दुबई से है। तो हम मोबाइल डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशंस और उसके साथ साथ एकेडमिक लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गाइड करना कि वो किस तरीके से अपना एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, घर बैठ के पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे अपना रोजगार, अपना बिजनेस, ताकि यूनिवर्सिटी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद उनका अपना बिजनेस उनका इंतजार कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल एसटीसी नेटवर्क इज अबाउट। जबरदस्त हो गया, गुड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुस्तफा भाई, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? हमारा जो एक खास है मेरी कहानी की रिवायत, हम जानते होते हैं कि आपकी पीछे छुपी जो चीजें हैं नॉर्मली बहुत कम सामने आती हैं, और हम चाह रहे होते हैं कि हम अपने सुनने और देखने वालों को उन चीजों से आशना करवाएं ताकि वो आपसे जो है इंस्पायर हो सके। तो मुस्तफा भाई ऐसे कैसे बने जैसे मेरे सामने बैठे हैं इस वक्त? यार फाद, ऑनेस्टली हर एक चीज का एक आगाज होता है, हर एक इंसान, यानी कि आप जब किताब भी लिखते हैं तो उसका पहला पेज होता है, वहां से उसका आगाज किया जाता है, एंडिंग तो सबसे आखिर में की जाती है। तो मेरी जो स्टोरी है ऐसी नहीं है कि एक प्लानिंग के थ्रू मैं इस हद तक पहुंचा हूँ, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सी स्टोरी है। जैसे हर एक बच्चे का एक ख्वाब होता है कि वो अपनी कॉलेज के बाद जो है हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड अप्लाई करें, तो मैंने अपने ए लेवल्स के बाद सिंथेटिक हाई स्कूल से मैंने ए लेवल्स किया, तो उसके बाद सारे क्लास फेलोज, कोई हार्वर्ड अप्लाई कर रहा था, कोई स्टैनफोर्ड, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो मैं भी एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, तो मेरी भी ख्वाब थे, तो मैं भी चाहता था कि यार मैं कहीं अच्छी सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, मेरे ग्रेड्स भी काफी अच्छे थे, तो लिहाजा मैंने अप्लाई किया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, जो कनाडा में है, तो वहां से जब मुझे एडमिशन लेटर आया तो उसमें लिखा था कंग्रेचुलेशन, तो मैं इतना ज्यादा खुश हुआ, मैंने अब्बू से कहा कि क्या कहते हैं, अब्बू मुझे एडमिशन मिल गई है। तो अब्बू ने कहा कि बेटा बहुत मुबारक हो, ये बताओ फीस कितनी है। तो मैंने जब फीस देखी तो उसमें लिखा था तकरीबन 23,000 कैनेडियन डॉलर। तो मेरे अब्बू ने कहा बेटा कितने बनते हैं? मैंने कहा अब्बा बन जाते होंगे कोई 19-20 लाख उस वक्त के एक्सचेंज रेट के मुताबिक। तो मेरे अब्बू ने मेरी तरफ देखा और कहा बेटा इतने पैसों में मैं तुम्हारे लिए सदर मार्केट में एक छोटी सी दुकान ना खोल लूं, तो मैं इससे ज्यादा कमा लोगी, एक कैसी पढ़ाई है जो 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए में बिक रही है। तो लिहाजा उस वक्त जाहिर सी बात है वालदेन परसेप्शन होती है, बजट लेवल अलग होता है, तो मैंने बस कहा चले अब्बा मैं किसी एक शॉर्ट बजट के कॉलेज में अप्लाई करता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये किया कि एक छोटे से कॉलेज में अप्लाई किया यूएसए के, क्योंकि ख्वाब था जैसे पाकिस्तानी बच्चे का होता है कि यार मैंने अमरीका जाके पढ़ना है। तो मैं जब यूएस एम्बेसी गया अपने भाई के साथ, तो मेरा जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, न मेरे रिकॉर्ड चेक किए गए, न मेरे रिपोर्ट कार्ड चेक किए गए, न मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड चेक किया। पहला सवाल ही यही हुआ कि आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन आपने ली है और अच्छी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो आप यूएसए में एक छोटी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ख्वाब है यूएसए जाना और मैं वहां पढ़ना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैं, तीन पेपर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड मीन्स रिजेक्टेड, यू कैन नेवर एवर अप्लाई टू यूएसए अगेन। ग्रीन का मतलब होता है कंग्रेचुलेशन, यू गॉट योर वीजा। और येलो का मतलब होता है डिसक्वालिफाइड, यानी कि आप दोबारा इंटरव्यू देकर आओ। तो मैं काफी ज्यादा मायूस हुआ। बगल में ही मेरे दो लड़के ऐसे थे जो च्युइंगम चबाते हुए इंटरव्यू दे रहे थे और काफी कॉन्फिडेंट थे इंटरव्यू देते हुए। मैं जाहिर सी बात है पूरी रात जागा रहा, नफले पड़ी, मैंने कहा अल्लाह मेरा वीजा एक्सेप्ट हो जाए। तो जब मैंने वापसी आया तो देखा उनके हाथ में जो है ना रेड
ग्रीन कलर का पेपर था. तो मैंने उससे कहा कि यार आप लोग करते क्या हैं जो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने आसानी से आपको वीजा भी दे दिया गया. तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो छुट्टियां मनाने यूएसए जा रहे हैं. दैट वॉज अ पॉइंट व्हेन समथिंग क्लिक्ड माय माइंड. तो मैं जब बाहर निकला तो मेरे आंसू बह रहे थे. तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि भाई क्या हुआ. मैंने कहा कुड नॉट क्वालिफाई फॉर वीजा. और उन्होंने कहा कि आप दोबारा आओ, यानी आप दोबारा इस्लामाबाद से कराची जाओ, आप अपनी पूरी ट्रांसक्रिप्ट दोबारा भेजो, आप रीअप्लाई करो, फिर आप अगेन 25 घंटे का सफर तय करके इस्लामाबाद आओ एंड देन गिव अस अनदर इंटरव्यू, मे बी वी कुड गिव प्रोवाइड यू विद अ वीजा. तो भाई ने मुझसे कहा भाई कोई बात नहीं, हम दोबारा अप्लाई कर लेंगे. मैंने कहा नहीं भाई, जिस डॉलर्स के लिए लोग अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं वो डॉलर्स इंशाल्लाह खुद चल के मेरे पास आएंगे. क्योंकि जिस रिस्क के लिए हम अपना मुल्क अपनी अपनी आइडेंटिटी बेच कर वहां जाते हैं इस ख्वाब से कि वहां जाके हमें हायर एजुकेशन मिल जाएगी, वहां जाके हम कुछ सीख लेंगे, वहां जाके हम कुछ बन जाएंगे, और यहाँ मौजूद जो हमारे पास वसाइल होते हैं उसको हम अहमियत नहीं देते, उसको हम हैसियत नहीं देते. मैंने कहा नहीं भाई, मुझे जो है ना अब जो भी करना है यही खुद करना है. लिहाजा मैं एक साल डिप्रेशन का शिकार रहा. मैंने मैं बैठ के जो है ना ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स की तरफ मेरा ध्यान आया. तो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था ब्लॉगर के नाम से, उस पर मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जहां मैं अपने क्लास फेलोज के लिए से बातचीत करता था. और मैंने कभी वेबसाइट का बैकग्राउंड चेंज किया, कभी लोगो चेंज कर लिया, कभी कलर्स चेंज कर लिए. तो आहिस्ता आहिस्ता CSS HTML सीख ली. फिर मैंने कहा कि जो मैं ये कर रहा हूँ इस पर ट्यूटोरियल्स क्यों ना लिख लेता हूँ. तो मैं गाइड्स लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उस आर्टिकल्स को पढ़ते थे, वो सब्सक्राइब करते थे. और जब वेबसाइट में थोड़ा सा ट्रैफिक आया तो मुझे पता चला कि एडसेंस भी कोई चीज होती है, बाय सेलर्स भी एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है जहां आप एड्स लगा के वेबसाइट से कमा सकते हैं. तो वो एक आगाज था, वो जो डिप्रेशन का पीरियड था. और मुझे नहीं था पता कि मेरी जो हॉबी है वो चल के एक दिन मेरा ब्रेड एंड बटर बन जाएगी. तो वो दिन था, आज का दिन था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3-4 वेबसाइट्स हैं, वहाँ 100K प्लस सब्सक्रिप्शन है ऑन डेली बेसिस, तकरीबन 1,00,000 के करीब लोग सब्सक्राइब करते हैं जो हमारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं ऑनलाइन बिजनेस पे, अफिलिएट मार्केटिंग पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे और मोनेटाइजेशन टेक्निक्स पे. तो ये एक ऐसी स्टोरी है कि मैं ये नहीं कहता कि आज मैं जो भी हूँ अपनी अपनी काबिलियत की वजह से हूँ. बस मैं ये जरूर कहूंगा कि सही वक्त पे सही फील्ड में मैं आ गया और सही जगह मैंने अपनी एनर्जी यूटिलाइज की, जो एनर्जीज यूटिलाइज होके आज मेरे लिए रिस्क का जरिया बनी. मैं चाह सकता था कि मैं भी जाऊं, आज मेरे जो क्लास फेलोज हार्वर्ड में या MIT के ग्रेजुएट हैं वो आते हैं, आज उनमें आधे गूगल में काम कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं. तो फाद वो जब मेरे घर आते हैं या मेरे ऑफिस आते हैं तो वो कहते हैं कि मुस्तफा यू आर इन अ फार बेटर कंडीशन देन वी आर एट दिस मोमेंट, यानी कि तुम एक ज्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहे हो. तुम अपने घर वालों के साथ हो, अपने बीवी बच्चों के साथ हो, अपने वालदैन के साथ हो, तुम यहाँ ईद सेलिब्रेट कर सकते हो, रमजान सेलिब्रेट कर रहे हो, यहाँ सारी खुशियां पाकिस्तान की तुम्हारे पास हैं. हम अपने माँ बाप से दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर हैं, और यहाँ हमारे पास हम दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फर्म के एक बहुत छोटे से एम्प्लॉई हैं, और जो हमें सैलरी मिलती है वही हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत का एक आप उसको कहते हैं फल है जो आज हमें मिल रहा है. लेकिन जो असल खुशी मिलती है जो इंसान की अपने बिजनेस में होती है वो हमारे पास नहीं है. सही सही मुस्तफा भी, आपने एक बड़ी पते की बात की है अभी कि सही टाइम पे आपने सही डिसीजन लिया, आप इस फील्ड में आ गए, चाहे आप एक्सीडेंटली है या जैसे भी है. और बहुत सारे हजारों या लाखों कह लें हमारे ग्रेजुएट्स और यंगस्टर्स हैं, खासकर यूनिवर्सिटीज में भी आप देख रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे और लोग कैसे सही टाइम पे इन हों कि वो भी मुस्तफा जैसे बन सकें? ये फात वो मुस्तफा नहीं, वो मुस्तफा से हजार गुना बेहतर. यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है. मैं तो उस जमाने की बात बता रहा हूँ जिस वक्त ऑर्कड चलता था, माइस्पेस चलता था, याहू और हॉटमेल चलता था. अभी तो क्लाउड नेटवर्क का जमाना है. अभी तो यानी कि चीजें वो चीजें जो कल तक शायद हजार लोगों में एक दो को पता थी, आज तो किसी जमाने में जब लोग मुझसे पूछते थे कि बेटा आप करते क्या हो, तो मैं उनसे कहता था कि सर मेरा अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है या मैं ब्लॉगिंग करता हूँ. तो कहते थे बेटा ये ब्लॉगिंग क्या होती है. आज तो हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में
पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग क्या है, एडसेंस क्या है, और यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम क्या है, यूट्यूब से लोग कैसे कमा रहे हैं, वेबसाइट ब्लॉगिंग से कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है. मेरे जमाने में लोग लैपटॉप और पेंटियम 3 यूज करते थे. आज वही लैपटॉप, वही कंप्यूटर जिसकी कीमत कल तक 30-40 हजार थी, आज 5,000 के मोबाइल फोन में आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है. स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का दौर है और 4G भी आ चुका है पाकिस्तान में. तो वो सारी चीजें जो हम महीनों में सीखते थे, आज बच्चे और आज इस ये जो करंट जनरेशन है वो मुश्किल से मिनटों में सीख सकते हैं. वो सारी चीजें, सारी चीजें नेट पे हैं, गूगल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं. ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसको हम कह सकें कि यार वो रास्ता क्या चुने. अच्छा, हर चीज के एक स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, स्टेप 3 होता है. मैं अक्सर जो सेमिनार या वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ यूनिवर्सिटीज में, तो मैं वहाँ स्टूडेंट से ये बात हमेशा जरूर कहता हूँ कि देखें, जो बुनियादी तालीम आप सीख रहे हैं वो जरूर हासिल करें, लेकिन ये तालीम जो आप हासिल करते हैं ये एक शऊर है जो आपको एक समझ देती है, सही और गलत में फर्क करने की तमीज सिखा रही है, लेकिन ये आपको कोई स्किल सेट नहीं देती. स्किल सेट एक हुनर होता है जो आपने कहीं ना कहीं से सीखना होता है. मिसाल के तौर पर जब मैं सिस्टम इंजीनियर था NAD यूनिवर्सिटी में, तो मेरे बाकी सारे क्लास फेलोज जो नॉर्मल रूटीन का वर्क होता था वो वही पढ़ते थे जो यूनिवर्सिटी उसको पढ़ा रही है, लेकिन मैं साइड में हल्की सी कोर्सेज करता था. यानी कि मैंने फोटोशॉप का कोर्स कर लिया, मैंने CSS HTML सीख ली किसी इंस्टीट्यूट से, मैंने PHP या MySQL सीख लिया, यानी कि मैंने प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट से सीखे हैं. उससे क्या हुआ, मेरा वक्त बचा और बहुत कम टाइम में वो चीजें जो यूनिवर्सिटी में 1-2 साल में सिखाई जाती हैं तो आप इंस्टीट्यूट से बड़े आराम से 1 महीने में सीख सकते हैं. और ये तो इंस्टीट्यूट का जमाना था, अब तो सारी चीजें ऑनलाइन है. lynda.com है, w3schools.com है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप प्रोग्रामिंग, जहां से आप वेब डेवलपमेंट बहुत आसानी से सीख सकते हैं. मशवरा मेरा स्टूडेंट्स को यही है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ एक स्किल, जरूरी नहीं है वो फील्ड से रिलेटेड हो, वेब डेवलपमेंट को मैंडेटरी बनाए अपनी लाइफ में कि वेबसाइट्स कैसे बनते हैं, वेबसाइट सेटअप कैसे किए जाते हैं. पूरा अपनी अपनी जात में एक बहुत बड़ा बिजनेस है. लेकिन ब्लॉगिंग का की इब्तदा तब अच्छी होती है जब आपको वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स पता हो, जब आपको पता हो कि यार फोटोशॉप कैसे यूज किया जाता है, या एक वेब लेआउट कैसे बनता है, या एक CSS HTML क्या है, या एक डायनेमिक वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट की जाती है. तो मैं बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाता, मैं आसान अल्फाज में ये कहता हूँ कि जैसे एक बिल्डिंग बनती है, आप उसमें कमरे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसको कलर करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है HTML के थ्रू, फिर उसको स्टाइल किया जाता है CSS के थ्रू, फिर उसमें फंक्शन डाले जाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू. तो जब आप वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेब की दुनिया चलती कैसे है, ये .com लाइफस्टाइल जो लोग जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, ये एक्चुअली इसके पीछे सीक्रेट्स क्या हैं, रास्ते क्या हैं. तो वो बुनियादी तालीम इनके पास होनी चाहिए. उसके बाद पर बारी आती है SEO की, ब्लॉगिंग की और अफिलिएट मार्केटिंग की. वो मैं आपको रफ्ता रफ्ता जब आप आगे चलेंगे तो आपको बताते चलूंगा कि ये सब चीजें कैसे की जाती. सही सही, ठीक हो गया. मुस्तफा भी आपने जैसा बात की यंगस्टर्स से, माशाल्लाह आप काफी कनेक्ट रहते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको विजिट भी करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, सेमिनार्स भी अटेंड करते हैं. तो इवन के मैंने भी आपका एक सेमिनार लिया, खैर वो भी बड़ा यादगार था. तो मुस्तफा भाई, कंसेप्ट जो है यूथ में, यूनिवर्सिटी पढ़नी है, उसके बाद जॉब करनी है, शादी करनी है, चले जाना है, आई थिंक सो बहुत सारे यंगस्टर से मैं भी मिलता हूँ तो यही नॉर्मली सुनने को मिलता है. क्या बेहतर है, जॉब या बिजनेस, क्या गोल क्या होना चाहिए यंगस्टर्स का, आप क्या कहते हैं? यार देखें अफाद, मैं एक चीज को देख के जो है ना काफी ज्यादा हैरत में भी मुब्तला होता हूँ. जैसे कुरान मजीद में अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है कि मैंने अकल वालों के लिए निशानियां छोड़ी हैं. अकल वालों के लिए हर चीज में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई निशानी छोड़ी है. अगर आज ये 90% वर्ल्ड इकोनॉमी को जूस डोमिनेट कर रहे हैं तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, वजह है. क्या वजह है वो इतने कामयाब हैं, क्या वजह है कि हर दुनिया से बड़ी की बड़ी सी चीज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी हो, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, सारे कॉर्पोरेट फर्म्स चलाने वाले ये लोग हैं. उसके पीछे बुनियादी फर्क है जिस तरीके से हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं और जिस तरीके से वो बच्चों को ट्रेन करते हैं. हमारा बच्चा यहाँ मोबाइल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग तब सीखता है जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है, और वहां बच्चे 13 साल 12 साल के बच्चे आईफोन
کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے آئی فون کو باقاعدہ کھول کر, یعنی کہ اس کے والدین ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. جیسے عارفہ کریم کی مثال لے لیں, کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس چھوٹی سی بچی کو جاتا ہے جس نے اتنے سے ایج میں ایک نیٹورکنگ یا سیکیورٹی کا اتنا کمپلیکس کورس کمپلیٹ کیا, یا ان والدین کا جاتا ہے جس نے اس بچی کو بتایا کہ بیٹا تم اس عمر میں بھی وہ کام کر سکتی ہو جو بیچلرز کر رہے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دماغ دیا ہے جس کو آپ جیسا ٹرین کریں گے وہ ویسے ہی اس پہ چلے گا. آپ اگر بچے کو اس طریقے کی ٹریننگ دیں گے کہ بیٹا تم اسکول میں کچھ نہیں کرو, صرف پڑھو, کالج جاؤ تو کچھ نہ کرو, صرف پڑھو, اچھے گریڈ لاؤ تاکہ اچھی یونیورسٹی میں جا سکو, اور یونیورسٹی میں صرف اس لیے اچھا پڑھو تاکہ تمہیں ایک اچھی سی انٹرنشپ ملے, اینڈ فائنلی ایک اچھی سی جاب. اگر آپ نے ایک اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ ہی یہی بنانا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوگا, یا تو باہر جا کے پڑھنا یا تو کسی ملٹی نیشنل فرم کا امپلائی بن جانا. یہی ہم دے رہے ہیں نا, یہی تربیت ہر جگہ دی جا رہی ہے. میں جب یونیورسٹی لیول پہ تھا تو ہمیں ایک اکنامکس کا ایک سبجیکٹ تھا, اس پورے 6 مہینے میں ہمیں سکھایا یہ جا رہا تھا کہ ایک اچھی سی سی وی کیسے لکھتے ہیں, ایک اچھی سی سی وی کیسے بنائی جاتی ہے, آپ جب انٹرویو کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کریں. یعنی کہ انسان کا پورا مائنڈ سیٹ اس چیز کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے کہ جاب جاب اینڈ دیٹ جاب. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 16 سال پڑھنے کے بعد 30,000-40,000 کی نوکری کر رہے ہیں, تو آپ میں اور اس انسان میں جو ایک ریڈی لگا رہا ہے باہر اور فرینچ فرائز بیچ رہا ہے یا دھنیا پودینا بیچ رہا ہے, وہ بھی مہینے کے 50,000-60,000 بڑے آرام سے کما لیتا ہے. میں ایک فرینچ فرائز والے کو جانتا ہوں جس کی صرف منتھلی سیلز تقریباً 2.5 لاکھ روپے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, والدین کا بھی تو حق ہے, وہ ان والدین وہ آپ کو پڑھاتے ہیں, آپ کو لکھاتے ہیں, پھر بڑھاپے میں وہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ بیٹا ہم نے پوری زندگی تمہیں پڑھایا, اب ناؤ اٹ از دا ٹائم دیٹ یو شوڈ ہیلپ اس آؤٹ, تو ہماری خدمت کرو. لیکن جب نوجوان بچہ اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ ابا میں تو مشکل سے اپنی کمپنی کی سیلری میں اپنے خرچے نبھا سکتا ہوں, میں تو اس کل تک جو نوجوان 18 سال کی عمر میں شادی کرتا تھا, آج 28 سال کا نوجوان بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں سمجھتا, وہ آج بھی کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے 3-4 سال اور محنت کرنی ہے تاکہ تھوڑے سے فنڈس میرے پاس آ جائیں, میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی گاڑی لے لوں اور اس کے بعد میں شادی کر سکوں. قصور نہ سوسائٹی کا ہے, نہ تعلیم کا ہے, صرف اسٹریٹجی کا ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف, میں ایک کانسیپٹ دیتا ہوں پلان اے اور پلان بی کا. پلان اے وہی والی لائف اسٹائل ہے جو سب جی رہے ہیں, جو 18 کروڑ عوام جی رہی ہیں, لیکن پلان بی وہ سیٹ اپ آف لائف ہے جس پہ اس دور کے اس دنیا کے کامیاب ترین لوگ عمل کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا ایک سکل سیٹ بھی بنانا ہے, میں نے کچھ سیکھنا ہے. مثال لے لیں آئی فون ڈیولپمنٹ کی, ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آج سیمسنگ کا یا سیٹ ہوگا اینڈرائڈ کا یا آئی فون کا ہوگا. جس بچے کی عمر مشکل سے 17 سال نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں 70,000 کا موبائل فون ہے, لیکن اگر اس انسان سے پوچھا جائے کہ بیٹا آبجیکٹو سی کیا ہے, تو وہ جواب نہیں دے پائے. جس کے ہاتھ میں سیمسنگ کا 80,000 یا 70,000 کا سیٹ ہے اور اسے پوچھا جائے کہ بیٹا اینڈرائڈ کیا ہے, تو وہ نہیں بتا پائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم کنزیومر بن چکے ہیں پروڈکٹس کی, ہم سروسز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی پروگرامنگ تو مسٹ بنانی ہے. ہم اسکول میں ان کو انگریزی سکھاتے ہیں, انگلش سکھاتے ہیں, کیونکہ بڑے ہو کے وہ اس کے کام آئے گی. تو جو دور کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے, ہم کمپیوٹر کی زبان کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ موبائل فون کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے. آپ کا لیپ ٹاپ کیا ہے؟ کمپیوٹر ہے. آپ کا ٹیلیویژن, ہر وہ الیکٹرانک جس میں سلیکون کی چپ استعمال کی جاتی ہے, جو ایک الیکٹریکل سرکٹ سے بنا ہے, وہ ایک کمپیوٹر ہے. وہ ایک خاص کیلکولیشنز کر کے کسی ان پٹ کو لے کے آؤٹ پٹ پریزنٹ کر رہا ہے. دیٹس واٹ اے کمپیوٹر ڈو. تو آپ نے وہ کمپیوٹر کی لینگویج اپنے بچے کو اسکول لیول پہ سکھانی ہے. میں ایک بچے کو جانتا ہوں جس کی عمر 15 سال تھی, اس نے ایک سملی ایپلیکیشن بنایا آئی فون کے لیے. وہ اس وقت او لیولز میں تھا. یاہو نے وہ سملی ایپلیکیشن اس سے 30 ملین US ڈالرز میں خریدا. یہ اتنی رقم بن جاتی ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے ساتھ کشتے سروائیو کر سکتی ہیں, اتنے پیسے ہیں. لیکن اس بچے کو کس نے بتایا کہ بیٹا تم اس عمر میں آبجیکٹو سی وہ لینگویج ہے جس سے آئیوز کی ڈیولپمنٹ کی جاتی. تو اس کو کس نے یہ بتایا کہ تم اتنے سے عمر میں پروگرامنگ کر سکتے ہو, تم اتنی چھوٹی سی عمر میں ایپس بنا سکتے ہو؟ مارک زکربرگ کون تھا؟ ایک اسکول, ایک یونیورسٹی جانے والا لڑکا تھا. اس کو کس نے آئیڈیا دیا کہ تم جو ہے نا پی ایچ پی میں پروگرامنگ کر سکتے ہو, تم فیس میش ٹائپ کی ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہو, اس کے بعد اس کو فیس بک کی شکل دیکھ کے پوری دنیا کو پاگل کر سکتے ہو. آج
ہر ایک انسان کے منہ پہ, اگر وہ انٹرنیٹ کا مطلب نہیں جانتا لیکن فیس بک کا مطلب ضرور جانتا ہوگا. ہر ایک آج یہ نہیں کہا جاتا یار آپ مجھے اپنی بزنس کارڈ دیں, آج یہ کہا جاتا ہے کہ یار فہد تمہاری پروفائل آئی ڈی کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو اس انسان نے اس عمر میں کیا, ہمارے لڑکے آج اس عمر میں اس سے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. یا میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو آن لائن افیلیٹ مارکیٹنگ سے 40 لاکھ 30 لاکھ ماہانہ کما رہے ہیں. اس کا بہت آسان سا پروسیس ہے. سب سے پہلے آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے. یہ میں انگلیوں پہ بتا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے. میں بہت ساری باتیں کروں گا تو یہ انٹرویو کے بعد میرے خیال سے وہ سب کچھ بھول جائیں گے. تو میں آج اپنی انگلیوں پہ فنگر ٹپس ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر واقعی میں اپنے بچوں کی مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں, یا وہ اسٹوڈینٹ جو اس وقت میٹرک اور یونیورسٹی لیول میں اگر وہ میری باتیں سن رہے ہیں, اگر وہ اپنے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں اگر وہ صرف سیکھ لیں تو آنے والا دور ان کا ہوگا. وہ پہلی چیز کیا ہے, موسٹ مینڈیٹری تھنگ, دیٹ از ویب ڈیولپمنٹ. آپ ویب ڈیولپمنٹ ضرور سیکھیں. ایک بیسک ویب سائٹ ڈیزائن کیسے کی جاتی ہے, ایک بیسک ویب اپلیکیشن کو کوڈ کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں سے ابتدا ہوگی پروگرامنگ کی. اس کے بعد جب ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لیں آپ موبائل ڈیولپمنٹ سیکھیں. آپ آئی او ایس اور اینڈرائڈ یہ دو چیزیں ہیں جو اس وقت لیپ ٹاپ کو ریپلیس کر چکے ہیں. آج 70% سے زیادہ 70% ابو شاپنگ, آن لائن شاپنگ موبائل پہ کی جا رہی ہے. لوگ موبائل پہ بیٹھ کے جو ہے daraz.pk سے یا amazon.com یا ebay.com اور علی ایکسپریس سے شاپنگ کر رہے ہیں. 70-80 ہزار کی چیزوں کی شاپنگ ساری موبائل فون سے کی جا رہی ہے. آج میں اور آپ اگر انٹرویو کر رہے ہیں تو میرے خیال سے میں تو اپنا موبائل فون ہی یوز کر رہا ہوں, کیونکہ میرے لیے ایک پورٹیبل ڈیوائس ہے, جہاں چاہوں میں لے کے جاؤں. اب اتنا بڑا لیپ ٹاپ کہاں لے کے جا سکتے ہیں. تو آنے والا فیوچر چھوٹی سے چھوٹی ڈیوائسز کی ہیں. یہ موبائل فون ہمارے سامنے آج بھی جتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے یہ بہت بڑا ہے, یہ اور مینیمائز ہوتا چلا جائے گا. اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ نیو ٹیکنالوجیز آئیں گی. کل تک ہم صرف آئی او ایس کو جانتے تھے اور آج اینڈرائڈ نے آ کے تقریباً 60+ مارکیٹ کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہے. یعنی کہ اس وقت پلے اسٹور 80% ایپ مارکیٹ کو ڈومینیٹ کرتی ہے. اور ایپ اسٹور جو ہے جو کہ ایپل والوں کی ہے وہ مشکل سے 18% ڈومینیٹ کر رہی ہیں. تو ٹیکنالوجیز بدلتی چلی جا رہی ہے. جیسے ایک انسان کسی کے ساتھ سندھی میں بات کرتا ہے, کسی کے ساتھ پشتو میں بات کرتا ہے, ویسے کمپیوٹر کی لینگویجز ہوتی ہیں. آپ نے یہ لینگویج خود سیکھنی ہے اور باقاعدہ اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے, پہلی بات آپ نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھنی ہے. دوسری چیز موسٹ امپورٹنٹ, آپ نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے. آپ چاہیں تو بلاگنگ کر لیں اور ایڈسنس اور ایڈورٹائزنگ نیٹورک کے تھرو کما لیں, یا آپ بلاگنگ کریں اور افیلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو چلائیں. مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے ای کامرس اسٹورس بنائے ہوئے ہوں. جتنی محنت ایک دکان کو چلانے میں لگتی ہے کہ اس میں ایک صفائی والا ہونا چاہیے, ایک ریسپشن پہ بندہ ہونا چاہیے, ایک سیلس پرسن ہونا چاہیے, ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو لاجسٹک کو سنبھالے, ویسے ایک ای کامرس اسٹور مطلب ایک آن لائن اسٹور اس کو بنانے میں بھی آپ کو اتنے ہی بندے چاہیے. آپ کو ایک فوٹوگرافر چاہیے, ایک ڈیولپر چاہیے, ایک لاجسٹک کو سنبھالنے کے لیے ایک بندہ چاہیے, یعنی کہ تقریباً 10-12 بندوں کی ٹیم چاہیے. اس سے زیادہ اور سب سے آسان کام ہے ون مین آرمی. اینڈ واٹ از دیٹ, دیٹ از افیلیٹ مارکیٹنگ. کہ آپ جو ہیں وہ والے پروڈکٹس جو امیزون پہ اور ای بے پہ بیچے جا رہے ہیں, آپ ان کی پروڈکٹ ریویوز لکھو. فار ایگزامپل, ٹیک این ایگزامپل آف لیپ ٹاپس. 2017 بھی آ رہا ہے, یہاں جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار فاد یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا لیپ ٹاپ کون سا ہے, میں کون سا لیپ ٹاپ خریدوں. یو ایس, کینیڈا اور یورپین کنٹریز میں یہ نہیں ہوتا. وہاں لوگ جا کے گوگل سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بیسٹ لیپ ٹاپ اس وقت کون سا چل رہا ہے, وہ ریویوز پڑھتے ہیں اور اس ریویوز کے بیسس پہ جا کے وہ والا پروڈکٹ خریدتے ہیں. تو آپ اگر ایک پروڈکٹ ریویو ویب سائٹ بنا لیں, امیزون پہ بنا لیں کہ 2017 کے 10 بہترین لیپ ٹاپس, یہ آپ ٹائٹل رکھ لیں اور اس پہ ایک آرٹیکل لکھیں اور ہر ایک لیپ ٹاپ جس کو آپ ریویو کر رہے ہیں اس کے نیچے اپنا افیلیٹ لنک رکھیں, تو میں کہتا ہوں اگر دن میں 10,000 لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ یقین جانیے $1,000 بڑے آرام سے آپ دن کے کما لیں گے. اور پاکستان میں ایسے لڑکے ہیں جو 30-40 لاکھ ماہانہ افیلیٹ مارکیٹنگ سے کما رہے ہیں. کچھ جو یہ نہیں کر سکتے ہیں, جن کی انگلش اچھی نہیں ہے, وہ ویڈیوز بنا لیں, وہ یوٹیوب میں اپنی ویڈیوز بنائیں کسی بھی چیز پہ. مثال کے طور پہ
मैं एक यूट्यूबर को जानता हूँ क्रेजी रशियन के नाम से. वो करता क्या है, वो कुछ नहीं है. मिसाल के तौर पे उसने एक वीडियो बनाई कि 10 लाइफ हैक्स, और उस वीडियो में वो क्या बता रहा है कि आप पेप्सी की जो बॉटल है, 1.5 लीटर की बॉटल है, उसको उसमें आप किस तरीके का टैब लगा सकते हैं, उसको किस तरीके से खोल सकते हैं, 10 तरीके पेप्सी की बॉटल को खोलने के. इमेजिन करें उसने सिर्फ ये 10 तरीके बताएं. या आप पेप्सी कोला के अंदर नमक डाल दें तो क्या हो जाएगा, आप पेप्सी कोला के अंदर सोडा डालें तो क्या हो जाता है. मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, और वो बंदा आराम से बहुत आराम से 20-30 लाख महाना कमा रहा है. तो मीडियम्स बहुत सारे हैं, आप चाहे ब्लॉगिंग कर लें, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग कर लें, या चाहे वीलॉग्स बना लें, आप अपनी वीडियोस अपलोड करें, और एडसेंस जो है बहुत अच्छा मीडियम है, आप कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट से कमा सकते हैं. लेकिन ये सब कुछ आप तब कर सकते हैं जब आपके पास बुनियादी स्किल सेट हो. वीडियो के लिए आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम्स आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत अच्छा अडोब आफ्टर इफेक्ट्स है. आप किसी इंस्टीट्यूट से जाके आफ्टर इफेक्ट्स की ट्रेनिंग ले लें, 1-2 महीने में आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेंगे. ठीक है, काम में मजा तब आता है जब आपके पास उसका हुनर पहले से मौजूद हो. पर आपने किसी से पूछना नहीं पड़ता कि यार ये वीडियो कैसे बनाते हैं, ये वीडियो में इसने इफेक्ट्स कैसे डाले, ये एनिमेशन इफेक्ट्स ये कैसे लेकर आया, क्योंकि आपको सब कुछ आता होता है, पर आपने सिर्फ अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना है. तो पहला था वेब डेवलपमेंट. जब आप वेब डेवलपमेंट सीखें तो ये 6 महीने लेगा, उससे ज्यादा आपका नहीं लेगा. उसके बाद आपने जाके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखनी है कि वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज कैसे जाते हैं, सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग कैसे इंप्रूव की जाती है. मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और फहद भी एक वेबसाइट बना रहा है. अब हम दोनों में से गूगल किसको प्रीफरेंस दें, क्योंकि पहले पेज में तो 10 लिंक्स आने, और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक सर्टेन कीवर्ड के लिए इस पहले पेज पे आ जाऊं. तो उसके लिए मुझे SEO यानी कि सर्च रोबोट्स काम कैसे करते हैं उनको समझना होगा, लिंक बिल्डिंग क्या होती है इस चीज को समझना होगा, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज को मुझे समझना होगा. उसके बाद मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ. तो पहला था वेब डेवलपमेंट. दूसरा जो मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल डेवलपमेंट जरूर सीखें, या iOS की या एंड्रॉयड की. और इसी के साथ वेब डेवलपमेंट के बाद फॉरन मोबाइल डेवलपमेंट ही आता है. तो उसके बाद आपने मोबाइल डेवलपमेंट सीखा, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप अपनी SEO की बेसिक्स को स्ट्रांग बनाएं. जब ये तीनों चीजें हो जाएं, उसके बाद आप दुनिया की किसी भी बिजनेस को लॉन्च करना चाहें ऑनलाइन, आप कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छी तरीके से उसको मार्केट कर सकते हैं. आपको पता होगा कि यार मैंने किस मार्केट में जाके अपने ऐप को पब्लिसाइज करना है, मैंने किस तरीके से अपनी ऐप या अपने सॉफ्टवेयर या अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लेकर आना है, और मैंने किस तरीके से इस ट्रैफिक को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है. तो आपको सारी बेसिक्स पता होंगी. इस वक्त मौजूदा हाल में क्या हो रहा है कि सब पढ़ रहे हैं कि यार ऑनलाइन बिजनेस में बहुत फायदा है, ऑनलाइन बिजनेस में लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन कोई स्किल सेट पे फोकस नहीं कर रहा. ना उनको बेसिक्स पता होती है प्रोग्रामिंग की, ना वेब डेवलपमेंट की, ना वेब डिजाइनिंग की, ना मोबाइल डेवलपमेंट की. लेकिन वो चाहते हैं कि यार वो वेबसाइट बना के कमाना स्टार्ट कर. और रिजल्ट होता क्या है कि वो वेबसाइट कर लेते हैं, बना लेते हैं. वेबसाइट बनाना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने रेगिस्तान में एक बैनर लगा ली. अब इस रेगिस्तान में आपने लोगों को बताना है कि यार मैं एग्जिस्ट करता हूं, ये इतने बिलियंस ऑफ पेजेस में एक मेरा भी पेज है. तो आपने ये बिलियंस ऑफ पेजेस के साथ अगर कॉम्पीट करना है तो अपना स्किल सेट और अपनी SEO स्किल्स पे काम करना होगा. बेसिक SEO स्किल्स समझने होंगे, उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ सकते हैं. बहुत सारे टूल्स हैं जिसपे आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग आइडियाज ले सकते हैं. बहुत बड़े SEOs हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स शेयर करते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो ऐसी हजारों चीजें हैं, लेकिन इब्तिदा करें प्लीज वेब डेवलपमेंट से, उसके बाद मोबाइल डेवलपमेंट, उसके बाद SEO स्किल्स, एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. ये बातें मैंने आपको बताई IT की, जिसने ऑनलाइन दुनिया में आके अपना बिजनेस चलाना है और कल जाके कुछ करना है, कोई नाम बनाना है, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर मैं आइडिया किसी को नहीं दे सकता. दिस इज ऑनलाइन बिजनेस इज ऑल अबाउट 3 things: अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेजेस दैट वेबसाइट्स वर्क अपॉन, दैट यू कैन डू ओनली थ्रू प्रोग्रामिंग, दैट इज वेब डेवलपमेंट, एंड हाउ मोबाइल एप्लीकेशंस आर बिल्ड एंड डेवलप्ड, दैट यू कैन डू थ्रू मोबाइल डेवलपमेंट, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई. अब तीसरी चीज है, यार मैंने एक चीज बना तो ली, लेकिन अब इस चीज से
جو میں ٹریفک کس طریقے سے لے کر آؤں اپنی ویب سائٹ پہ یا میں کسٹمرز کو کیسے اٹریکٹ کروں, تو یہ چیزیں آپ کو ایس ای او سکھاتا ہے. اینڈ ایفیلیٹ مارکیٹنگ از اے پارٹ آف اٹ, کیونکہ جب آپ ایس ای او سیکھ لیتے ہیں تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ از ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس ویری سمپل. اب وہ اس کو سیکھنا بہت مشکل نہیں ہے. سب سے ابتدائی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایس ای او سیکھیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. کہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی جس پہ ایک میں ایک موضوع پہ یا ایک سبجیکٹ پہ لکھ رہا ہوں جس پہ آلریڈی ہزاروں لوگ لکھ رہے ہیں, تو میرا آرٹیکل انہیں آؤٹ رینک کیسے کریں. دیٹس آل ایس ای او از آل اباؤٹ. یہ دو چیزیں ہیں, سرچ ریبورٹ کو سمجھنا اور لنک بلڈنگ کو سمجھنا. ایس ای او از آل اباؤٹ کانٹینٹ رائٹنگ اینڈ لنک بلڈنگ, دیٹس اٹ. کانٹینٹ کو آپٹیمائز کیسے بناؤں اور میں لنک بیک لنکس کیسے لکھے آؤں, دیٹس آل ایس ای او از اباؤٹ. یس فاد, کمال, کیا بات ہے مصطفیٰ بھائی. یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اور کافی سارے آئیڈیاز آپ نے دے دیے. ابھی تو میں سوچ رہا ہوں میں بھی جو ہے وہ ان میں سے کوئی ایک آئیڈیا اٹھا کے اس میں کام شروع کر دوں. آف کورس وی آر ڈوئنگ. مصطفیٰ بھائی, خواتین مطلب ہمارے تقریباً 50% آبادی کا حصہ ہیں اور موسٹ آف دیم مطلب گھر میں ہیں یا ہاؤس وائفز ہیں, اور نوجوانوں کی بھی بات کریں مطلب بے روزگاری بہت عام ہے. ایک میری معلومات کے مطابق تقریباً 6 کروڑ کے قریب, شاید اس سے بھی زیادہ ہوں, جو لوگ بے روزگار ہیں اس وقت. بہت بڑا فگر ہے یہ. کیسے کنٹرول کیا جائے؟ آن لائن مارکیٹ آپ نے بہت ساری چیزیں بتا بھی دیں یقیناً, لیکن ابھی تک ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے فراڈ کا اور 2 نمبری کا. بدقسمتی سے پاکستان میں اس چیز کو ابھی تک بھی سیریس نہیں لیا گیا. کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ اس کنسپٹ کو ختم کر کے اور جابز والے کنسپٹ کو ختم کر کے اس طرف آیا جائے؟ دیکھیں فاد, میرے پاس بہت عرصے پہلے ایک خاتون تھی, وہ ایک ہاؤس وائف تھی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھیں, موبائل ڈیولپمنٹ سیکھیں, ایس ای او سمجھیں. ان کے پاس اتنا ٹائم, ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے. تو میں نے ان کو بہت سمپل سا آئیڈیا دیا. میں نے ایک آئیڈیا ان کو یہ دیا کہ آپ, ان کی بیٹی کی ایج ہے میرے خیال سے 1.5 سال کی ایج ہے اسے, اور بہت کیوٹ سی ہے وہ. میں نے ان کو کچھ ویڈیوز دکھائے یوٹیوب پہ. میں نے دیکھا, دیکھیں یہ امیرکنز ہیں, امیرکن لیڈیز ہیں, جن کی ویڈیوز پہ اپ ٹو 5 to 8 million ویوز ہیں, 5 to 8 million ویوز ہیں. اور وہ عورت کرتی کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں کرتی. وہ 6 کلرز لیتی ہیں, ڈفرنٹ کلرز, 6 کلرز لیتی ہے. وہ کیمرے کے سامنے آتی بھی نہیں ہے, اور وہ 6 کلر لے کے, فار ایگزامپل پلاسٹر آف پیرس لے لیا, اس پلاسٹر آف پیرس کو لاتی ہے اسکرین کے سامنے اور کہتی ہے اورنج, اور پھر اس کو سائڈ میں رکھ دیتی ہے. پھر ایک اور پلاسٹر آف پیرس لیتی ہے, پھر کہتی ہے پنک. اس نے صرف یہ ویڈیو بنائی ہے اور اس کے پیچھے ایک خوبصورت سا بیک گراؤنڈ میوزک دیا ہے. اس کے ویڈیو پہ تقریباً 5 million ویوز ہیں. پھر ایک اور ویڈیو میں نے ان کو دکھائی جس میں ایک عورت صرف اپنی بچی کی ہنسنے کی آواز ریکارڈ کر رہی ہے, یا اس نے اپنی بچی کو بہت سارے اس کو کپڑے پہنائے اور بہت سارے کلرز دے دیے. اب وہ بچے ان کلرز کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور یہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے. مشکل سے 2 منٹ کی ویڈیو ہے اور اس پہ 1 million ویوز ہیں. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو, یا آپ اپنی بیٹی کو نہ سہیں, کیونکہ جو آن لائن ویوز ہیں یوٹیوب میں سب سے زیادہ, آن لائن مارکیٹ جو بچوں کی ہے, جو بچوں کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. یار میری اپنی بیٹی ہے 1 سال کی, جب میں اپنے لیے جوتے لے کے جاتا ہوں, کپڑے خریدنے ہوتے ہیں, پینٹ شرٹ, میری 2000 میں شاپنگ ہو جاتی ہے. اچھی سے اچھی شرٹ بھی آ جاتی ہے اور اچھی سے اچھی پینٹ بھی آ جاتی ہے, چلیں 2500-3000 کر لیں. جب میں اپنی بیٹی کے لیے شاپنگ کرتا ہوں تو ایک چھوٹا سا فراک بھی 3500 کا ہوتا ہے. اتنا سا فراک 3500 کا, اتنے سے جوتے 2000 کے. کیونکہ بچوں کی جو مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ واسٹ آڈینس ہوتی ہے. کیونکہ بچے کے لیے جب آپ کوئی گفٹ خریدتے ہیں تو گفٹ وہ انسان بھی خرید سکتا ہے جو شادی شدہ نہ ہو, کیونکہ آپ کی بانجیاں ہوتی ہیں, بھتیجے ہوتے ہیں, ان کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں, تو آپ چاہتے ہیں اچھے سے اچھا گفٹ لیں. تو اس کی آڈینس بہت بڑی ہے. تو بچوں کے پروڈکٹس پہ سب سے زیادہ انویسٹ کیا جاتا ہے. اور یقین ماننے, جو بچوں کے پروڈکٹس والی دکانیں ہیں وہ ان دکانوں سے جو بڑوں کے آئٹمس بیچتی ہیں, جس میں لگژری گڈس آتی ہے, کلوتھنگس آتے ہیں, ٹیکسٹائل کے شاپس آتے ہیں, ان سے کئی گنا زیادہ کما رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صرف موبائل پہ ایک یوٹیوب کا چینل کھولیں اور اس میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اپنی بچی کی. آپ کی بچی شرارت کر رہی ہے, کھیل رہی ہے, گا رہی ہے, بول رہی ہے, پوئم پڑھ رہی ہے, آپ اس کی 1-2 منٹ کی ویڈیوز بنا کے
उसको हल्की सी टाइटल का और मैंने टैगिंग के बेसिक्स का बताया, आप इसको अपलोड करना स्टार्ट कर दें। उस औरत ने यकीन माने सिर्फ यही किया, और मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि वो 8 से 9 हजार अभी से कमाना स्टार्ट कर चुकी है वो एडसेंस से। वो घर बैठ के अपने मोबाइल से वीडियोस बना के बेटी की वीडियोस अपलोड करती है और वो आराम से जो है ना 8 से 9 हजार कमा रही है। क्योंकि अब इसमें एक और चीज ये होता है कि हमारे लोग जो है ना वो इतने ज्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं यूट्यूब की, एडसेंस की, अमेजोन की, तो पॉलिसी को जरूर पढ़ें। मुझे अभी उसी खातून का पता चला है कि उनका यूट्यूब चैनल जो है वो क्लोज कर दिया गया। तो बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो वीडियोस अपलोड कर रही थी उसमें जो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक चला रही थी वो मैं किसी और चैनल का उठा के उसकी ऑडियो अपनी ऑडियो में डाल। मैंने कहा देखें दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। जब मैंने आपसे कहा था कि आप प्योर अपनी बच्ची की वीडियो बनाएं, और पीछे क्या जरूरत थी किसी और का म्यूजिक उठाने का, दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। अगर इसको मैं देसी अल्फाज में कहूं, इसको कहते हैं हम चुराना। आप कंटेंट मत चुराना कभी भी किसी, आप किसी की एफर्ट, जिसने मेहनत की, उसने म्यूजिक बनाया, वो उसका राइट है, उसको अगर अल्लाह रिस्क दे रहा है उसके बेसिस पे दे रहा है। तो मैं उनको बताया यूट्यूब की अपनी एक म्यूजिक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे ऐसे म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं और उस पर कोई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं लगती, आप वो यूटिलाइज करें। तो खैर मैं यूट्यूब का बहुत बड़ा इसमें मैं बहुत ज्यादा लोगों को वो नहीं करता ना रेकमेंड करता हूँ कि आप यूट्यूब के चैनल्स बनाएं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता, तो फिर उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब के चैनल्स बनाएं और यूट्यूब की व्यूज के बेसिस पे, क्योंकि आप जब यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट्स लगती हैं, वीडियो के ऊपर भी वीडियोज होते हैं और आपका जो साइड बार होता है यूट्यूब का उसमें भी एक एड लगा हुआ होता है। उस एड में जितने ज्यादा इंप्रेशन होंगे उतना ज्यादा आप अर्न करोगे, और जितने ज्यादा लोग उसको क्लिक करेंगे तो CTR बेसिस पे भी आप अर्न कर रहे होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे दैट व्यूज gets converted into revenue and you get that revenue in terms of money from Western Union. So, घर बैठे आपको जो है ना आपका MTCN number भेजा जाता है जो आप सिर्फ अपना NIC लेके Western Union को दिखाते हैं तो वो आपको आपकी Google की payment कर देते हैं। तो ये मैंने उन खवातीन के लिए, उन housewives के लिए जिनके पास ज्यादा time नहीं होता, अगर वो दिन का 1-2 घंटे निकाल सकें तो मैं यही कहूंगा कि यकीनन उनके बच्चों के बहुत सारे खिलौने होंगे, वो कुछ ना करें, वो खिलौने रखें और अपनी बेटी को सामने बिठा दें, अपने बेटे को सामने बिठा दें और 2-3 मिनट की वीडियो बना लें, उस बच्चे के साथ खेले और वीडियो बनाए और इसको अपलोड कर दें, और आप देखें फिर 1-2 महीने के बाद क्या होता है। तो ये मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अच्छा, उन खवातीन के लिए जो पढ़ी लिखी है, जो इंग्लिश में लिख सकती है, जो कॉन्टेंट राइटिंग कर सकती है, उनको, उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइवर भी है, अपवर्क है, फाइवर है। इस पे लोग क्या करते हैं कि $5 में कोई भी टास्क परफॉर्म करके देते हैं, या वो कंटेंट राइटिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल वो 500 में लिख के देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बजाय इसके कि आप लोगों के लिए 1000-1000 वर्ड्स के आर्टिकल्स लिखो, इससे बेहतर ये है कि आप अपना ब्लॉग सेटअप करो, मतलब आप अपनी वेबसाइट बनाओ और खुद आर्टिकल्स लिखो और उस आर्टिकल्स की बेसिस पे आप एडवर्टाइजमेंट से अर्न करो। मेरी एक वेबसाइट है myblogatricks.com के नाम से, जहां मैं लोगों को बाकायदा SEO और ब्लॉगिंग के बेसिक्स सिखाता हूं। तो अगर वो चाहें तो इन वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, इन ट्यूटोरियल को फॉलो करके blogger.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग बना सकते हैं। आपका जो कस्टम डोमेन होता है, जो .com होता है, उसकी कॉस्ट सिर्फ $10 होती है, मैंने कहा ₹1000 साल के, वट आर $10 पर ईयर यार। हम सिर्फ एक वीकेंड में जो है ना 1000-2000 उड़ा देते हैं मैकडोनल्ड्स में, KFC में और बाहर आउटलेट्स में। तो अगर आप साल के $10 दे रहे हैं अपने एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, व्हाट्स बैड इन दैट। एक और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भी है वर्डप्रेस के नाम से, लेकिन वहां आपने वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, वहां आपका तकरीबन साल का 9 से 8 हजार का खर्चा है, 8 से 9 हजार का खर्चा है साल के, लेकिन blogger.com पे सिर्फ ₹1000 का खर्चा है। मेरा अपना जो ब्लॉग है myblogatricks.com है, मैं ब्लॉगर पे चला रहा हूँ और मेरी वेब होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं जो पढ़ी लिखी खवातीन है उनको यही कहूंगा कि वो कंटेंट राइटिंग करें तो अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, अपनी वेबसाइट बना के किसी भी चीज पे लिखें, फूड्स पे लिखें, हेल्थ पे लिखें, क्या कहते हैं, लग्जरी पे लिखें। मेरी क्लाइंट है संजना के नाम से और एक और क्लाइंट है रेका के नाम से, ये दोनों इंडियंस हैं लेकिन USA में रहती हैं।
वो ज्वेलरी की वेबसाइट चलाती है latestindianjewelry.com और एक और वेबसाइट है celebritiesarees.com. वो करती क्या है, वो सिर्फ जाके जो सेलिब्रिटी साड़ीज पहनती हैं उसकी तस्वीर लेती है, उस पर 100-200 वर्ड्स का आर्टिकल लिखती है और पब्लिश कर देती है. आप यकीन माने दे आर अर्निंग अराउंड 5 to 10,000 USD per month. 5 से 10 लाख महाना वो कमा रहे हैं. और जो दूसरी वेबसाइट है लेटेस्ट इंडियन ज्वेलरी, वो क्या करती है, वो जाती है विंडो शॉपिंग करती है, कोई अच्छा सा ज्वेलरी का नेकलेस या ब्रेसलेट देखा तो उसकी तस्वीर ले ली, अपनी वेबसाइट पे लगा दी और उसकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स बता दी है कि इसका वजन इतना है, इसके कलर्स ऐसे हैं, इसमें ये वाली ज्वेलरी इस्तेमाल की गई है और इसकी कॉस्ट इतनी है. और वो बंदी भी आराम से जो है ना तकरीबन 3 से 4 लाख महाना कमा रही. देखें इंटरनेट इज अबाउट 2.5+ बिलियन पीपल, यानी कि 2.5 अरब से ज्यादा लोग इस वक्त ऑनलाइन है. इनमें अक्सर वो लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं, पब्लिशर्स नहीं है. पब्लिशर कौन होता है, जो खुद कुछ बनाता है और अपलोड करता है, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो वीलॉगर हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो अफिलिएट मार्केटर हो, वो कोई कंटेंट बनाता है और अपलोड करता है, इसको हम पब्लिशर कहते हैं. और कंज्यूमर कौन होता है, एक आम इंसान जिसका काम है सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखना, फेसबुक इस्तेमाल करना और ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं, यूजर्स कहलाते हैं. तो तकरीबन 2.5 अरब आबादी इस वक्त इंटरनेट यूज कर रही है. आप अगर मैं कहता हूँ सदर या तारिक रोड में कोई दुकान खोलते हैं तो दिन में कितने कस्टमर्स आएंगे आपके पास, मुश्किल से 100 या 200. लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट कोई स्टोर लॉन्च करते हैं तो स्काई इज द लिमिट. आप सिर्फ फेसबुक पे $10 का एड लगा दो तो 30,000 से 40,000 लोग आपका एड देख लेते हैं. यानी कि इमेजिन द पावर ऑफ इंटरनेट. यकीन माने सिर्फ $10 पे आपको आराम से 20,000 से 30,000 व्यूज मिलते हैं. तो जो ई कॉमर्स स्टोर आते हैं वो करते हैं क्या, वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे कर रहे होते हैं, फेसबुक पे लोग उनके एड्स देखते हैं और उनकी वेबसाइट से जाके व्हाट्सएप पे जाके ऑर्डर कर लेते हैं और कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम से वो कमा रहे हैं. क्योंकि इंटरनेट की दुनिया जो है ना उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं है. इट्स अनलिमिटेड, इट्स बाउंडलेस. सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, करेक्ट स्ट्रेटेजी. अब एक वो बंदा जिसको वेब डेवलपमेंट आती है, जिसको मोबाइल डेवलपमेंट भी आती है, जिसको एसईओ भी आती है, जिसको अफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, तो उस इंसान के लिए तो इंटरनेट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर. वो इंसान क्यों जाके किसी फर्म में 30,000 से 40,000 की नौकरी करेगा, जबकि उसको पता है कि वो एक साल की मेहनत करके अपना सॉफ्टवेयर हाउस फर्म लॉन्च कर सकता है. मैंने क्या किया, मुझे बस जो चीजें लोगों को आज जो चीजें मैं आपको उंगलियों पे बता रहा हूं, मुझे कोई बताने वाला नहीं था. उस जमाने में ऑर्किड चलता था, उस जमाने में फेसबुक भी 2004 में आया था तकरीबन, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 में फेसबुक आया था. और उस जमाने में ऑर्किड था, जीमेल हॉटमेल था, याहू था, ये बड़ी सर्विसेज जिनके मैं अभी नाम ले रहा हूँ ये तो अपनी अपनी अपने क्या कहते हैं ग्रूमिंग स्टेज में थे. 2003 में तो वर्डप्रेस आया और 1999 में ब्लॉगर आया और 2003 में गूगल ने उसको खरीद लिया. मतलब ये सारी कहानी 2003-04 से स्टार्ट होती है. तो मैंने अपना करियर 2006 में स्टार्ट किया था, तो 3 साल में तो फेसबुक भी इतना आगे नहीं बढ़ा था, एडसेंस जैसी चीज भी एग्जिस्ट इतनी नहीं करती थी, लोग को ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में. तो मुझे तो वो चीजें सीखने में साल लग गए. लेकिन आज का बच्चा यही सब चीजें घर बैठे आराम से 1/2 घंटे में वीडियो देख के सीख सकता है और इंस्टीट्यूट में 4-5 महीनों में सारी चीजें जो मैं आपको गिन के बता रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, एसईओ उसने इंटरनेट से खुद सीखनी होगी, लेकिन ये बाकी 2 चीजें 5-6 महीने में आराम से बंदा सीख सकता है. बड़ी विजात कर दी आपने मुस्तफा भाई, सारे जो है वो आपने पॉइंट्स भी कवर कर लिए, स्पेशली जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से. तो मुस्तफा भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी सर्विसेज के हवाले से. माशाल्लाह आप जो है एसटीसी नेटवर्क चला रहे हैं, ये नेटवर्क क्या है और सर्विसेज जो है वो किस तरह के आप प्रोवाइड करते हैं, और लोग अगर आपसे सीखना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें या इदारे आपसे जो है वो किसी इंफॉर्मेशन के लिए या सर्विसेज लेने के लिए रब्ता करना चाहें तो कौन से जराए हैं, जरा तफसील शेयर कीजिएगा हमारे साथ. यार मेरी सारी पहचान ही STCnetwork.org पे है.
आप सर गूगल में एसटीसी नेटवर्क लिखते हैं तो वो गूगल मेरे ऑफिस का एड्रेस भी बता देगा, वेबसाइट एड्रेस भी बता देगा, सब कुछ बता देगा. हम बेसिकली करते क्या हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं जो ई कॉमर्स स्टोर्स चलाते हैं या जो अफिलियट नीचे बेस्ड वेबसाइट्स चलाते हैं, उसके लिए उनको एसईओ सर्विसेज चाहिए होती है. एसईओ में सबसे आसान चीज होती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और सबसे मुश्किल होती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज लिंक बिल्डिंग. क्योंकि लिंक बिल्डिंग में सबसे मुश्किल जो काम होता है वो जो एकेडमिक वेबसाइट्स नहीं होती, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स जो होती हैं .edu और जो गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट्स होती है .gov करके यानी .gov, तो इन वेबसाइट से बैकलिंक्स लाना बहुत मुश्किल होता है. यानी कि इसमें सरमाया आपका 10-15-20 लाख आराम से लग जाता है. तो जो कॉर्पोरेट बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी लिंक बिल्डिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा हायर करती हैं. फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बाकायदा हम सेटअप करके देते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन, उसकी ऑप्टिमाइजेशन और मोनेटाइजेशन, ये तीनों सर्विसेज. कस्टमाइजेशन मतलब वेबसाइट को सेटअप करना, ऑप्टिमाइजेशन उसकी एसईओ करना, एंड मोनेटाइजेशन मतलब जब वेबसाइट इस स्टेज पे आ जाए कि वो उसमें ट्रैफिक आ जाए, ट्रैफिक का फ्लो आ जाए, फिर हम उस वेबसाइट को उस ट्रैफिक को रेवेन्यू में कैसे कन्वर्ट करना है उसके ट्रिक सिखाते हैं, चाहे वो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे वो कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, चाहे वो प्रोडक्ट रिव्यूज के थ्रू हो, तो बहुत सारी और चीजें हैं. तो बुनियादी काम जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं वो हम क्या कहते हैं एसईओ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करके दे रहे हैं, जिनमें से कुछ ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जिसमें इर्तका.com है, thejacketmaker.com है, इसकी एसईओ कंसल्टेंसी मैं खुद कर रहा हूँ. और कुछ वेबसाइट्स हैं जो दुबई से चलती हैं, जैसे क्लासिफाइड बेस्ड वेबसाइट, जैसे ओलेक्स पाकिस्तान में चलता है, तो वैसे ही दुबई में बहुत सारी वेबसाइट रियल स्टेट पे और क्लासिफाइड बेस्ड वेबसाइट्स होती है जो दुबई में चल रही होती हैं, तो हम उनको अपनी एसईओ सर्विसेज दे रहे होते हैं. उनकी ऑन पेज ऑफ पेज का पूरा कंपेन होता है, वो साल का एक उनका एक बजट होता है जो हमें देते हैं और फिर हम पूरा साल उस पर काम कर रहे होते हैं. और उससे हट के जो मेरी अपनी हॉबी है ब्लॉगिंग, मैं खुद ब्लॉगिंग भी करता हूँ, मेरी वेबसाइट है myblogger.com और एक दो और वेबसाइट है smartearningmethods.com और रिच इनकम वेज, जहाँ मेरे कंटेंट राइटर्स लिखते हैं, लेकिन माय ब्लॉगर ट्रिक्स पे मैं खुद लिखता हूँ. वहाँ मैं ब्लॉगिंग, एसईओ, अफिलिएट मार्केटिंग, मोनेटाइजेशन टेक्निक्स, उन सब की बेसिक्स शेयर कर रहा होता हूँ. वहाँ मैं प्लगइन्स, विजेट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा होता हूँ. वहाँ मैं टेम्पलेट्स भी के जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ब्लॉगर की ए टू जी जितनी भी डिटेल्स हो, चाहे डिजाइन से रिलेटेड हो, चाहे एसईओ से रिलेटेड हो, वहां हम उनको हेल्प आउट करते हैं, उनके लिए ट्यूटोरियल्स लिखते हैं. फिर मेरी एक फॉरम है bloggerhelpforum.com के नाम से, वहां जो है ना एक कम्युनिटी है ब्लॉगर्स की, जो अपनी डे टू डे उनको जो मसले पेश आते हैं वो अपने क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और हम उनको आंसर करते हैं. So this is how STCnetwork is working. And one more thing, जो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मैं कंडक्ट करता हूँ, यानी कि कराची में मैंने इस्लामाबाद में भी किए हैं, मैंने बलूचिस्तान में भी किए हैं, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो कुछ मैंने आज सीखा, जो इल्म मेरे लिए रिस्क का जरिया बना, उस इल्म को मैं अपने लोगों के साथ बांट सकूं. मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं जाऊं और दुबई में एक अच्छा सा ऑफिस ले लूं और अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां सेटल्ड हो जाऊं. लेकिन आज अगर मैं बलूचिस्तान के छोटे से छोटे स्कूल में भी जाके आधे घंटे का सेमिनार कर रहा हूँ, मुझे कोई उसके पैसे नहीं देता, मुझे उससे कोई पब्लिसिटी भी ज्यादा नहीं मिल रही है. उस क्लास में मुश्किल से 50 बच्चे होते हैं, उस 50 बच्चों से मुझे क्या पब्लिसिटी मिलेगी, वो मेरा क्या प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे, उन बेचारे को तो कंप्यूटर इस्तेमाल करना तक बहुत मुश्किल से आता है. लेकिन अगर मैं उन बच्चों के पास जा रहा हूँ तो सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझ पर आज जिम्मेदारी है कि जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया मैं दूसरों तक पहुंचाऊं. मैंने क्लास 6 में एक सोशल स्टडीज की एक किताब पढ़ी थी जो फेरोज के बारे में लिखते थे. जो इजिप्शियन फेरोज नहीं थे, वो बॉडी को ममीफाइड किया करते थे. यानी कि डिस्कवरी चैनल अगर आप देखते हो तो उसमें उस ऑथर ने लिखा था कि मिस्र के लोगों के मर जाने के बाद ये जो फॉर्मूला था, यार ये बॉडीज को ममीफाई करते थे, उसके लिए खास मसाला इस्तेमाल करते थे. उसकी रेसिपी आज तक दुनिया को पता नहीं चली, क्योंकि वो जो चीज बनाते थे वो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे और उनकी मौत के साथ ही उनका इलम भी दफन हो गया. हालांकि अल्लाह माफ करे मैं मिसाल कैसी दे रहा हूँ, लेकिन उस चीज ने मेरे माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट किया कि यार जो इल्म, जो हलाल इल्म मैं हासिल कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल मेरे मर जाने के बाद वो इल्म कब्र में मेरे साथ दफन हो, ताकि किसी और की जिंदगी बदले, कल जाके वो अगर कमाने के काबिल बन जाए
तो उसके एक एक वो जो भी हिस्सा, जो भी ब्रेड एंड बटर वो कमा रहा होगा, उसमें मेरा हिस्सा जरूर होगा और उसका बदला मुझे आखिरत में मिलेगा। तो बुनियादी मकसद इस सेमिनार का, इस इंटरव्यूज का यही है। मैं चाह रहा हूँ जिस तरीके से यार यूएस में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, इंडिया में लोग महीनों के लाखों कमा रहे हैं, छोटे लड़के 16-17 साल के लड़के हैं, लाखों कमा रहे हैं। रिसेंटली मेरे पास एक लड़का आया था मार के नाम से, उसने अपने अब्बा को होंडा सिटी गिफ्ट किया। इमेजिन करिए, वो अफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहा है सब कुछ। मैं चाह रहा हूँ कि यार वो नौजवान, वो टैलेंटेड लड़के जो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं यार, वो सही डायरेक्शन पे आए, वो बिल्कुल लकीर के फकीर ना बने। ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो प्लान ए कॉन्सेप्ट है कि यार मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, चले आपको अच्छी जॉब मिल गई। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मल्टीनेशनल फर्म्स में काम करते हैं। अभी मेरे एक दोस्त है, उसके होंडा सिविक 2016 का मॉडल मिला है ब्लैक कलर में, लेकिन मैं उसके लिए ज्यादा खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस एयर कंडीशन ऑफिस में वो जाके बैठेगा, वो ऑफिस किसका है? उसके नाम है या कंपनी के नाम है? कंपनी के नाम। जिस गाड़ी में वो बैठता है, वो गाड़ी उसकी है, कंपनी की है? कंपनी की है। जिस घर में वो रहता है, वो उसका या कंपनी का है? कंपनी का है। जिस दिन आप जॉब छोड़ेंगे, सारी चीजें, सारी एफर्ट्स आपसे ले लिए जाएंगे, तो आपने कमाया क्या? आपको अगर आज कंपनी 2 लाख भी दे रही है, तो इसका मतलब है आप में कुछ ऐसा है जो दे रही है ना 2 लाख। यकीनन आप करोड़ों कमा के दे रहे हो कंपनी को, तो वो 2 लाख आपको दे रही है। तो आप सोचो कि यार आप अगर पूरी जिंदगी गुजार रहे हो किसी और के ख्वाब को हकीकत बनाने में, तो अगर कुछ लम्हे अपने जिंदगी के अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने में आप सर्व कर दें, तो व्हाट्स बैड इन दैट। आज जितने भी दुनिया में लोग हैं, मिसाल ले लें गूगल की, हजारों एम्प्लॉयज हैं इसके, हमें जीमेल के बारे में पता है, हमें G+ के बारे में पता है, हमें ब्लॉगर के बारे में पता है, हमें एडसेंस के बारे में पता है, हमें यूट्यूब के बारे में पता है। तभी हमने ये जानने की कोशिश की कि इस यूट्यूब को बनाने के पीछे वो जो हजारों डेवलपर्स हैं उनके नाम क्या है, किसी को नहीं है पता। जिस दिन वो इस दुनिया में से रुखसत हो जाएंगे, किसी को पता नहीं होगा कि YouTube में फहद नाम का कोई डेवलपर बैठ के YouTube की वीडियो प्लेयर की स्ट्रीमिंग की कोडिंग करता है, और वो पाकिस्तानी है। सिलिकॉन वैली पर भरा हुआ है किससे? पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी के लिए। और ये सोचने का मुकाम है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, क्योंकि सबसे चीपेस्ट लेबर इस 3 कंट्रीज से मिलता है। क्यों? क्योंकि गोरा हमारी साइकोलॉजी पढ़ चुका है, उनको पता है कि यार इन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है बड़ी जॉब और लग्जरियस लाइफस्टाइल। हमारे लोगों को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का फर्क नहीं है पता। तो वो लोग क्या करते हैं, आज यूएसए अगर कामयाब है, तो मैं कहता हूं आज अगर दुनिया का सुपर पावर है, तो वो उसका एक सीक्रेट वेपन है। और वो सीक्रेट वेपन क्या है? वो स्कॉलरशिप कंपेन्स हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो वो ऑफर करता है साउथ एशियन कंट्रीज को। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, सिंपैटिक साइज स्कूल, वहां हर साल 10 बच्चे फुल ग्रेड स्कॉलरशिप पे यूएसए जाते हैं। मतलब पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल इस वक्त, कराची की मिसाल ले लें, कराची ग्रामर स्कूल, सिंपैटिक साइज स्कूल, बच्चे A-levels करते हैं, जो सबसे जहीन बच्चे होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। वो बच्चे करते क्या है, वो जाके यूएसए जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट 4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनको 10,000-15,000 की नौकरी दी जाती है, उसको घर दिया जाता है, वहां किसी गोरी से वो शादी कर लेते हैं और हमेशा के लिए वहां सेटल्ड हो जाते हैं, और कुछ सालों के बाद उनको सिटीजनशिप दी जाती है, फिर वो बंदा पाकिस्तानी नहीं रहता, वो अमेरिकन कहलाता है। और वो पूरी जिंदगी सिलिकॉन वैली में बैठ के जो आज हमारे सामने इन्वेंशन आ रही है, जो आज हमारे सामने टेक्नोलॉजी आ रही है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हजारों तरीके की जो एप्लीकेशन आज हमारे सामने आ रही है, ये सिलिकॉन वैली में बैठ के वही इंडियंस और पाकिस्तानीज हैं जो अपने मुल्क छोड़ के गए हैं फुल ग्रेड स्कॉलरशिप। मैं कहता हूं अगर इन्हीं जहीन बच्चों को सिर्फ इतना एहसास दिला दिया जाए कि उसकी जहानत की वर्थ करोड़ों में है, तो आज वो बैठ के पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज 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 देख लें हमारे पास क्या है, क्या हमारा अपना कोई सोशल मीडिया नेटवर्क है? नहीं। क्या हमारे पास अपना कोई सर्च इंजन है? नहीं। क्या हमारे पास अपनी कोई वीडियो पोर्टल वेबसाइट है? नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पाशा क्रेडिट किस चीज का लेता है। पाशा ने पाकिस्तान के लिए किया है। आज हम सिर्फ कंज्यूमर्स हैं। यहाँ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के पास पेपॉल का ऑप्शन तक नहीं है। वो बेचारे जो स्कूल और कॉलेजेस के बाद फ्रीलांसिंग करके कुछ कमाते हैं, उनके पास आमदनी का जरिया
दिखता ही नहीं है. पेपॉल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम है जो पूरी दुनिया में है लेकिन पाकिस्तान में बैंड है. मैं रिसेंटली सीएम हाउस गया था तो वहां मेरी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी एक एमपीए से मुलाकात हुई. तो मैंने उनसे कहा था कि मैम पाकिस्तान में पेपॉल कब आएगा, पेपॉल कब आएगा. तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये पेपॉल क्या होता है. मैंने कहा हो सकता है प्रोनंसिएशन की मिस्टेक हो. तो मैंने कहा मैम पेपॉल. मैंने कहा बेटा पेपॉल क्या होता है. मैंने कहा मैम इट्स एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम, इट्स जस्ट लाइक अ वर्चुअल अकाउंट. जब आप कोई सर्विसेज ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल करते हो तो रिटर्न में जब आपकी आपको जो पैसे दिए जाते हैं वो इस मीडियम के थ्रू पे किए जाते हैं. मैंने कहा मुझे तो पहली बार पता चला है कि पेपॉल भी कोई चीज होती है. तो लिहाजा मैं उस एमपी को क्या समझाता यार, जब हमारे पार्लियामेंट में लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, जिसे टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं है पता. अच्छा अब अमेज़न मिसाल लें, अमेज़न से लोग महाना करोड़ों में कमा रहे हैं लेकिन अमेज़न का अपना कोई ऑफिस, कोई इदारा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता. आज अगर किसी का एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक होता है तो वो बेचारा ये अपने आप वो या अपना लैपटॉप छोड़ेगा या अपना मोबाइल छोड़ेगा या अपना गुस्सा कहीं बाहर जाके निकालेगा, लेकिन वो कहीं कहीं किसी गूगल के ऑफिस जाके उसको कह नहीं सकता कि मेरी गलती तो बताएं किस वजह से आपने मेरा एडसेंस अकाउंट ब्लॉक कर दिया, मैंने ऐसे क्या गलती की है. बगैर गलती बताए लोगों के फेसबुक के फैन पेजेस ब्लॉक किए जा रहे हैं, अनपब्लिश किए जा रहे हैं, एडसेंस अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, फेसबुक के क्या कहते हैं एड अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, लोगों की वेबसाइट्स ब्लैक लिस्ट कर दी जाती हैं. मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जो 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है और अचानक से सुबह वो उठता है और उसको पता चलता है कि उसका क्या कहते हैं एड अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, तो उस पर क्या बीती गई. यानी कि एक बंदा जो महीने के 10 लाख कमा रहा है अगले ही दिन वो बिल्कुल सड़क पे आ गया. अब वो बेचारा ईमेल पे ईमेल करता है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, ऑटोमेटिक रिप्लाईज आते हैं गूगल और फेसबुक की तरफ से. उसकी वजह क्या है कि जब हम अपनी गैरत खो देते हैं तो हमारी मिसाल सिर्फ एक स्लेव की होती है. मैं आपको एक मिसाल दूंगा. जब 9/11 का वाक्य हुआ तो एक ब्राजीलियन ताजर था. बाद वो ब्राजीलियन ताजर जब एयरपोर्ट पे गया तो वो देख रहा है कि सबकी तलाशी हो रही है, लोगों के सॉक्स निकाल के, जूते निकाल के, बेल्ट निकाल के, शर्ट तक का जो टक इन शर्ट्स होते हैं उनको, शर्ट्स को बाहर निकाल के उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है, शर्ट निकलवा के बनियान की चेकिंग कर रही है. यानी कि वो कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया घुमाऊं, मैंने ऐसी चेकिंग तो किसी की नहीं देखी. क्या पूरी दुनिया एक जाहिल पॉपुलेशन है, सिर्फ अमेरिका एक मौजिज माशरा है कि जहां लोग बसते हैं और बाकी दुनिया में जो है ना जानवर बसते हैं, कि अमेरिका आके आपके इस तरीके से तलाशी की जाएगी मर्दों और खवातीन की. तो उसने तलाशी देने से इनकार कर दिया, कह रहे इट्स बिलो माय डिग्निटी कि मैं आपको अपनी तलाशी दूं और इस अंदाज में दूं. तो वहां इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया और उसे डिपोर्ट कर दिया गया. वो ब्राजील गया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये सारी कहानी जो है ना पूरी कौम को सुनाई. पूरी प्रेस में, पूरी मीडिया में इस चीज ने इतनी हलचल मचा दी कि उन्होंने अमेरिका को कॉन्टेक्ट किया. ये बात पार्लियामेंट तक पहुंची, ब्राजीलियन पार्लियामेंट तक. उन्होंने अमेरिका को कॉन्टेक्ट किया और अमेरिका ने जवाब दिया ये हमारा इट्स आर डेली रूटीन, ये हम सबके साथ करते हैं और हम ये करते रहे. वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, वी कैन डू नथिंग ऑन दिस. तो ब्राजीलियन पार्लियामेंट ने कहा ओके यू कैन डू नथिंग ऑन दिस. ब्राजीलियन पार्लियामेंट ने एक मखसूस बिल पास किया कि जिस तरीके का सलूक अमेरिकन एयरपोर्ट्स में ब्राजीलियंस के साथ हो रहा है वही सलूक अमेरिकन के साथ हो जो ब्राजील आएंगे. आप यकीन करें 2002 से 2006 तक अमेरिका वो वाहिद मुल्क था जहां के रेजिडेंट्स की तलाशी ली जाती थी ब्राजील में. अमेरिका को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे इसकी मुजाहमत की. तो रिटर्न में वही जवाब मिलता था, ब्राजील उससे कहता था वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, ये हमारा डेली रूटीन है, ये हम आपके साथ करेंगे. आप यकीन करें 2006 के बाद अमेरिका को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी और ब्राजीलियन लोग आज इज्जत से अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे जाते हैं और इज्जत से अपना पासपोर्ट दिखा के अपना बिजनेस और अपना कारोबार चला रहे हैं. जब कौम अपनी गैरत को समेट के रखती है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचती नहीं है तो सामने वाला बंदा भी आपको इज्जत देता है. आज अगर हम पाकिस्तान में आज का नौजवान जो इतना ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी उसके पास पेपॉल का ऑप्शन नहीं है, उसके पास जब उसका पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय करके रख दिया जाता है, उसके पास कोई मीडियम नहीं है वहां जाके अपने आंसू बहाए, मैं कहता हूं फिर
ہم اللہ سے ہی توقع کر سکتے ہیں, جیسے ہمیشہ سے اس ملک کو اللہ چلا رہا ہے, آگے بھی اللہ چلائے گا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ وہ اسٹوڈینٹس جو اس وقت پاکستان میں, جن تک یہ میرا میسج جا رہا ہے, میں ان کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کا مقصد ایجوکیشن پلس اسکلس کو بنائے. وہ انسان جس کے پاس علم ہو لیکن ہنر نہ ہو, وہ اس دور کا ناکام انسان ہے. اور وہ انسان جس کے پاس ہنر ہے لیکن علم نہیں ہے, وہ اس دور کا اندھا انسان ہے. لیکن جس کے پاس ہنر اور علم دونوں ہیں, سوچے اس انسان سے بڑھ کے کون سا انسان ہوگا. تو آپ صرف یونیورسٹیز جا کے جو فنڈامنٹل بیسکس ہیں وہ نہ پڑھیں, اپنے آپ کو ایک مستحکم انسان بنائیں, تاکہ جب آپ یونیورسٹی لیول پہ آؤ تو آپ پورے فائنینشلی اسٹیبلش ہو اور آپ کا پورا ایک امپائر آپ کا انتظار کر رہا ہو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صرف ویب ڈیولپمنٹ سیکھی, موبائل ڈیولپمنٹ سیکھی اور ایس ای او سیکھ لی, فرسٹ میں اگر آپ کالج میں ہیں, انٹرمیڈیٹ میں ہیں, تو آپ یونیورسٹی پہنچنے سے پہلے پہلے ایک بہت بڑے فرم کے مالک بن جائیں گے. اور اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو آپ گریجویشن سے پہلے پہلے اپنا پورا سافٹ ویئر آپ فرم لانچ کر چکے ہوں گے, اور پوری دنیا سے آپ کے پاس سروسز آ رہی ہوں گی, اور آپ کی اپنی پہچان ہوگی. کل جا کے جب مصطفیٰ مرے گا تو لوگ, ایسا نہیں ہوگا کہ کروڑوں کے بیچ میں آپ ایک گنجان انسان رہیں گے, آپ کو کوئی پہچانے گا نہیں, آپ کا علم آپ کو زندہ رکھے گا. جب تک آپ کا علم لوگوں میں بڑھتا چلا جائے گا, جو کچھ آپ نے سیکھا اور پھر آگے چل کے سکھایا, یہ چیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اور آپ کو کبھی مرنے نہیں دے گی, آپ کو ایک آئیڈینٹی ملے گی. لیکن اگر آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یار مجھے ایک اچھی سے 1-1.5 لاکھ کی جاب مل جائے, ایک اچھی سی ایئر کنڈیشن آفرز مل جائے, اچھا سا پلاٹ مل جائے اور ایک اچھی سی نیو برانڈیڈ گاڑی مل جائے, میں سمجھتا ہوں آپ جب تک جوان ہیں اور آپ کے خون, آپ کا خون گرم ہے, آپ انتھوزیاسٹک ہیں, آپ انرجیٹک ہیں, تو آپ کمائیں گے, آپ خوش رہیں گے, لیکن گریجولی آگے بڑھیں گے. لیکن جو انسان بزنس کی اہمیت کو سمجھ گیا, کیونکہ بزنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے, بزنس میں 99% زیادہ برکت ہے بہ نسبت ملازمت کے. اور ہمارے جتنے بھی صحابہ تھے, جو ہمارے جتنے بڑے تھے, آپ مثالیں لے لیں ان کی, ان میں اکثر بزنس مین تھے, یا ان کا ٹیکسٹائل کا بزنس تھا یا ان کا لائف سٹاک کا بزنس تھا. اور پورا اسلام جس کی بنیاد, جس وجہ سے ہم کامیاب ہوئے, جس جگہ سے جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو سب سے زیادہ کانٹریبیوٹرز کون ہوتے تھے, ٹریڈرز ہوتے تھے, لائک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لائک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنس دے ور انٹو بزنس, دے ور ایبل ٹو ہیلپ دی سوسائٹی اس ویل. بٹ اف یو آر این امپلائی, you can barely help out your family, but if you're a businessman you can help out your entire society. par aapki boundary bahut aage tak badh jati hai, kyunki aapko allah taqat se nawazta hai aur wo taqat hai barkat. ke business mein sabr aur shukr ye dono cheeze hain. jab aapke business mein downfall aata hai to aap allah se aur mangte hain, aur jab aapke business mein aap badh rahe hote ho aur fayda aata hai to aap allah ka aur zyada shukr ada karte ho. lekin mulazmat mein kya hota hai, یار میری تو سیلری آنی ہے, کمپنی ڈوبے یا آگے بڑھے جو بھی ہو, مجھے تو اپنی تنخواہ سے مقصد ہے. آپ مانے یا نہ مانے, آپ جا کے دیکھ لیں, سروے کروا لیں, 70% امپلائڈ لوگوں کی یہی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ یار مجھے تو اپنی سیلری سے مقصد ہے, مجھے تو اپنی 30 دن کے بعد اپنی سیلری ملے گی, باقی کمپنی کے ساتھ جو ہو رہا ہے سو ہونے دو, یہاں جاب نہیں ملے گی کہیں اور جاب لے لوں گا. یہی والا ایٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے. آپ جب ایک بڑے فرم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہے یار یہ فرم میرا نہیں ہے, میں ایک امپلائی ہوں, تو آپ کا دل اپنا 100% انپٹ نہیں دیتا. لیکن جب بزنس آپ کا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ آپ کا ہے, تو آپ اپنا 100% اس کو دیتے ہو, اور آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو کر نکلوں. تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری اگر میں بات کو بہت زیادہ لمبا کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سی باتیں ہیں میرے دل میں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, اینڈ آئی ہوپ سو کہ اللہ تعالیٰ لوگ کے دل میں یہ باتیں اتار دیں. انشاءاللہ ضرور مصطفیٰ بھائی, میں بھی بڑے غور سے آپ کی باتیں اس لیے سن رہا تھا, یقیناً ان کے پیچھے چھپی جو حقیقتیں ہیں, اور کہتے ہیں جو انسان ان چیزوں سے گزر کے آتا ہے وہ بولتا بھی ہے. تو بڑا اچھا لگا, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بولا, اپنی کہانی بھی سنائی, اور ینگسٹرز کو ماشاءاللہ آپ نے بڑا موٹیویٹ کیا, کیونکہ ہمارے شو کا دورانیہ ذرا اس طرح سے ہوتا ہے, تو دل تو نہیں کر رہا آپ سے گفتگو ختم کرنے کا, لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ ایٹ دا اینڈ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کچھ ایسا رہ گیا ہو جو آپ ایڈ نہ کر پائے ہوں اس شو میں. ہاں فہد, میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی, میں نے اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتایا. میں نے کہانی اسٹارٹ کی تھی اپنے سنپیڈک سائز سکول سے, اس سے پہلے کیا تھا میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. میں کوئٹہ میں رہتا تھا, کوئٹہ بلوچستان میں, جہاں میرے ابو ایک اسٹال پہ جوتے بیچا کرتے تھے,
جو ٹریولنگ بیگس ہوتے ہیں, شوز بیچتے ہیں وہ, تو اسی اسٹال میں میرا بھی ایک چھوٹا سا اسٹال لگتا تھا. میں اسکول کے بعد آ کے اس اسٹال میں بیٹھتا تھا اور میں پلاسٹک بیگس بیچا کرتا تھا. آپ نے اتوار بازار میں اکثر دیکھا ہوگا نا, بلو کلر کی بڑی بڑی شاپنگ بیگس ہوتی ہیں, 5 روپے کی وہ بکتی ہیں, تو میں وہ بیچا کرتا تھا کیونکہ ہمارا فائنینشیل بیک گراؤنڈ یہ تھا. لیکن پوری زندگی والدین محنت مشقت کرتے رہے لیکن ہمیں اسکول بیچتے رہے, ہم نے تعلیم ضرور حاصل کی. میں صبح اسکول جاتا تھا, رات کو آ کے اپنے ابا کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا, اور میں جب کوئٹہ سے کراچی آیا تو میرا انگلش کا ایکسنٹ تو دور کی بات ہے, میری اردو ہی ٹھیک نہیں تھی. کلاس میں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا. میری امی ایک بات کہتی تھی کہ بیٹا اپنے فائنل گولز پہ اپنا پورا فوکس رکھو, یہ معاشرہ یہ دنیا آپ کی قدر صرف تب کرتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ثابت کر دو ان کے سامنے. تو تم اپنی پورا سال پڑھو, محنت کرو, فائنل ایئر کا جب رپورٹ کارڈ آئے گا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون موقع, کیونکہ میں پٹھان کمیونٹی سے ہوں تو کراچی میں یہ چیز کافی دیکھی جاتی ہے کہ کلاس میں جو پٹھان بچے ہوتے ہیں اسے اخروٹ بلایا جاتا ہے, تو ان بیچاروں کا ایکسنٹ ہی ایسا ہوتا ہے اور وہ بہت جذباتی قسم کے ہوتے ہیں ہماری جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے جب اخروٹ بلایا جاتا تھا تو میرے آنسو نکل آتے تھے. میں امی سے کہتا تھا امی یہ لوگ مجھے موک کرتے ہیں, لوگ مجھے اخروٹ بلاتے ہیں, یہ لوگ میرے لہجے اور میرے ایکسنٹ پہ ہنستے ہیں. تو میرے امی مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا بس تم اپنے فائنل گول پہ فوکس کرو, اپنے آپ کو ایک بار ثابت کر دیا یہی لوگ تمہاری عزت کریں گے. ٹرسٹ می فہد, میں کلاس 6 میں تھا, بس کلاس 6 میں میری فرسٹ پوزیشن آئی. میں نے کلاس 7 نہیں پڑھی, میں نے کلاس 6 سے جمپ کر کے کلاس 8 میں گیا اور وہاں میرے ساتھ پھر سے یہ سلوک سٹارٹ ہوا. پھر سے میں نے اپنی محنت سٹارٹ کی, اس کلاس میں بھی اس 40 بچوں میں بھی میں فرسٹ آیا اور اس کلاس میں پھر لوگ مجھے عزت دینے لگے. وہ دن تھا, آج کے دن تھا, دوبارہ کسی نے اخروٹ نہیں بلایا. اس دن میں سیکھ گیا تھا یار اس معاشرے میں اگر اپنا لوہا منوانا ہے نا, اس معاشرے میں اگر عزت پانی ہے تو اپنی محنت اپنے آپ پہ فوکس کرو. یہ پوری دنیا تمہاری ٹانگیں کھینچیں گی, یہ پوری دنیا جب آپ کچھ نیا کرنے جاتے ہو. جب میں اپنا آن لائن بزنس کرتا تھا تو مجھے کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا, میرے اپنے پیرنٹس مجھ سے کہتے تھے کہ تم کیا لیپ ٹاپ کے سامنے کمپیوٹر کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, اپنے پڑھائی پہ دھیان دو, ان چیزوں کا کیا فائدہ. میں اپنے ابا سے کہتا تھا کہ ابا جب ایک کسان بھی بیج رکھتا ہے زمین میں تو اس بیج سے تناور درخت بننے میں 6 سے 7 مہینے لگ جاتے. تو جب وہ کسان اتنا صبر کر سکتا ہے تو آپ بھی تو تھوڑا ٹائم دو مجھے. تو مجھے بہت سٹرگل کرنی پڑی, مجھے میرے جو سب سے اچھے دوست تھے وہ میری اس فیلڈ کا مذاق اڑاتے تھے, مجھے بلاگر بھائی بلاتے تھے, لیکن میں فوکس کرتا رہا اپنے کام پہ. دن رات میری یہی کوشش تھی کہ یار میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں اپنے کلاس فیلوز میں سے, میں جب تھرڈ ایئر میں تھا تو میری انگیجمنٹ ہو گئی, میں فائنینشلی اسٹیبلش تھا, میری گریجویشن کے 1 مہینے کے بعد میری شادی ہو گئی. آج اللہ کے فضل و کرم سے میرا اپنا گھر ہے, میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, میرا اپنا آفس ہے, اپنی گاڑی ہے. تو آج جب میرے وہی کلاس فیلوز آتے ہیں اور وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو میں ان سے یہی والی بات کہتا ہوں کہ مجھے جن لوگوں نے سب سے زیادہ موٹیویٹ کیا ان میں تم لوگ شامل تھے, کیونکہ جب بھی تم مجھے موک کیا کرتے تھے تو میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا تھا, میں اللہ کے سامنے جاتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ مجھے اپنے منزل کو حاصل کرنے میں ثابت قدم رکھ. تو میں اور زیادہ محنت کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنے گول پر فوکسڈ رہا اور باقی دنیا کسی اور طرف فوکسڈ رہی. تو آج ایک کوئٹہ سے جو ایک شاپنگ بیگس بیچا کرتا تھا, آج اگر ایک انسان کراچی آ کے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس پمپ چلا رہا ہے, آج اپنی ایک پہچان بنا چکا ہے, تو کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں آباد لوگ جو ہیں, جو اچھے اچھے اسکولوں سے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں, جو ذہین, جو مجھ سے 1000 گنا زیادہ ذہین ہیں, سوچے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے, ان کے مستقبل میں کتنی اپرچونیٹیز اس کا ویٹ کر رہی ہیں. آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف جا کے اپنے آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پوری دنیا کے سامنے اپنے کان بند کر لیں اور اپنے کام پہ فوکس کریں. اینڈ ٹرسٹ می, فیوچر از آل اباؤٹ یو گائز. تھینک یو سو مچ فار. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ سے گپ شپ کر کے, اور آپ کی کہانی سن کے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, یقیناً ہمارے سننے اور دیکھنے والے بھی اس کو پسند کریں گے. ہمارا شو میری کہانی, ایک فائنل کوسچن ہم لوگ اپنے معزز مہمانوں سے کرتے ہوتے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں میری کہانی کے بارے میں, ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں, کوئی رائے دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ یار سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اخلاق مجھے بہت اچھا لگا فات, and keep it up, and it's the only thing that counts.
show, the background, the resources, nothing counts as much as the character of a person. So as long as you have a good character, you'll succeed in your life. And the best thing that I loved about your show was that, trust me, the way you interacted with me, the way you interact with the rest of the people you interviewed, and congratulations for your 100 episodes as well. Aapne 100 episodes ab tak kar liye, so ye aapki ek achievement hai. Aur aap khud mashallah young hain aur aap is age mein itna sab kuch kar rahe hain. So jo paigham aaj main ya mujhse pehle jo 100 log de chuke hain, usko broadcast karne mein aapka sabse bada haath hai. So jitni logon ki zindagiyan badlengi, usme aapka bhi bahut bada hissa hoga. So may God bless you with everything that you do. I'm extremely impressed with the environment and the way that you guys are interacting, the interviews as well. Pretty different and unlike normal interviews that we have online. So keep it up, buddy, and keep going on. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, یقیناً آپ کے الفاظ باعث اعزاز ہیں میرے لیے اور پوری ٹیم کے لیے, اور آپ جیسے لوگوں ہی کی وجہ سے یہ شو آگے بڑھ رہا ہے. ہم لوگ انشاءاللہ ان فیوچر بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ سے گپ شپ چلتی رہے گی. موسٹ ویلکم فاز, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, پھر سے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو بڑی, ہیو اے نائس ڈے, اللہ حافظ. All right, جی تو جی آپ نے دیکھا مصطفیٰ احمد زہی صاحب کا انٹرویو, کس طرح سے انہوں نے ماشاء اللہ اپنی اسٹوری شیئر کی, کس طرح سے انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا اور کس طرح سے انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یگسٹرس کو اور اسپیشلی جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی انہوں نے بڑی اچھی اچھی ٹپس دیں. تو یہ سب ایسے لوگ ہیں یقیناً جن سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان سے سیکھ کر یہ انٹرویو تب تک جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جب تک آپ لوگ سیکھی ہوئی باتوں کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. آئیڈیاز انہوں نے بہت سارے دیے, تو یہ سب چیزیں ہم آپ لوگوں کے لیے ہی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ انسپائر ہوں اور آپ لوگ ان سے سیکھ کے آگے بڑھ سکیں. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی میری کہانی شو میں ملاقات ہوگی. آپ لوگ فیس بک پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ہمارا پیج ہے www.facebook.com/meri kahani, اور ہماری ویب سائٹ ہے www.meri kahani.org. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے.